एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, आपको क्या करना है, आपको ये तीन पार्ट दे रखे हैं, आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे 64 की पार क्या दे रखा है आपको, 1/2। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 64 की पार 1/2। आपको क्या करना है, इसको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर a की पावर m अपॉन n के फॉर्म में हो, ठीक, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होता है तो आप उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। a ऐसे एज इट इज आ जाता है आपका, ये जो नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर में, ये क्या जाता है, ये इस तरीके से आता है। आप क्या फाइंड करते हैं उसका, अगर ये 2 है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अगर 3 होगा तो क्यूब रूट फाइंड करेंगे, 4 होगा तो उसके, इस तरीके से आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। और यहाँ a की पावर m हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। By using this, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 64 की पावर 1/2 है। सिमिलर वे में आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को जैसे अगेन अंडर रूट 64 हो जाएगा आपका, ठीक, ए अंडर रूट में, और पावर तो 1 है तो वो ऐसे इट इज रहेगी, और 2 कहाँ आ जाएगा, ये, विच मीन्स आपको क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। आपको 64 के फैक्टर्स फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप 64 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, 2 32 जा 2 16 2 8 टाइम्स जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट इसको इरेज कर देते हैं, टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या करेंगे, टू इंटू टू, सिक्स टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है। और आपको क्या बनाना है, स्क्वायर रूट। तो आपने टू टू के पेयर्स ले लिए, टू टू एंड टू, सिंगली ये बाहर निकलेंगे रूट के अंदर से, जब आप ये टू टू के पेयर्स निकालते हैं तो ये सिंगली बाहर निकलते हैं। जितना यहाँ अगर स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर्स निकलेंगे, अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो 3 के पेयर्स निकलते, ठीक है। अगर 4 होता यहाँ पे तो 4 के पेयर्स निकलते, ठीक है। हम आगे जानेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, ये 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, सिंगल 2, अगेन 2, फिर ये भी आपने 2 हो गया, 2 2 4 4 2 8, आंसर क्या आएगा आपका, 8। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर आप 64 के पार 1/2 को सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, 8 होगा। या 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको 8 मिलता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। तो होपफुली फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सिमिलर वे में इसी आइडेंटिटी का, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको भी सॉल्व करेंगे। अगेन आप क्या करेंगे, ए तो आपका 32 है तो वो एज इट इज रूट के अंदर, और यहाँ क्या है, 5 हो जाएगा, ठीक। विच मीन्स आपको जो इसके फैक्टर्स 32 के फैक्टर्स मिलेंगे वो क्या होने चाहिए, उसका आप जब पेयर्स बनाएंगे वो 5 के फॉर्म में हो। जैसे पहले आपने 32 के फैक्टर्स फाइंड किए, 2 16 2 8 2 4 2 2 1। अब यहाँ देख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स टू रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स ना, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इस तरीके से 5 टाइम्स 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 है, विच मीन्स कि जो आपको पेयर बनाना है वो क्या है, 5 का पेयर बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर इस तरीके से इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, 125 की पावर 1/3 है, विच मीन्स कि अंडर रूट में 125 होगा आपका, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। आपको 125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सिमिलर मैनर में आपने क्या किया, 125 के फैक्टर्स निकाले, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 2 5 5 25, अगेन 5 टाइम्स जाएगा 5, फिर 5 टाइम्स 1, मीन्स इसके क्या है, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 5 into 5 into 5, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्यूब रूट के अंदर आपने लिख लिया, ठीक। अब आप यहाँ जानते हैं आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, कितने के पेयर्स बनाने हैं, 3 के, तो ये 3 के ऑलरेडी पेयर्स हैं, तो यहाँ सिंगली, यहाँ 3, यहाँ 5 था बच्चों, तो आपका सिंगल
टू रिपीट हो रहा था 5 times तो 2 आ गया, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है 3 times तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या बोलेंगे इसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका ऑल्टरनेट मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मैथड कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हम थर्ड पार्ट का ऑल्टरनेट मैथड समझाते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं 125 है, 125 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे 125 है उसका आपको क्या करना है 1/3 ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपने 125 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 की पावर 3। अगर आप 125 के फैक्टर्स निकालें तो वो क्या होगा 5 की पावर 3, ठीक। आपने 125 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया और होल पावर क्या है 1/3, है ना। अब आप देख सकते हैं 5 की पावर 3 × 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर 1, दैट इज 5। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेट मेथड है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी ऑल्टरनेट मेथड का यूज कर सकते हैं, कैसे, सेकंड पार्ट में भी। देख सकते हैं 32 की पावर क्या है बच्चों 1/5 है, ठीक है। अभी जब आपने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो 32 की पावर 2/5 आ रहा था, आपको पता है 2 5 times रिपीट हो रहा था, तो आपने एज इट इज लिख दिया इसको, ठीक है। एंड इसकी होल पावर क्या है 32 को तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इसकी होल पावर क्या है बच्चों 1/5 आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब क्या होगा 2 की पावर 5 × 1/5 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में इसको भी सॉल्व करते हैं ऑल्टरनेट मेथड की यूज से, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके ऑल्टरनेट मेथड्स हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट का ऑल्टरनेट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं आप, यहाँ लिख लीजिएगा ऑल्टरनेट मेथड। क्या किया आपने 64 को देखें क्या करना है, 64 की पावर 1/2 को सॉल्व करना है। आपने जब 64 के फैक्टर्स फाइंड किए तो आपने देखा आप 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 × 64 होता है, आपने क्या किया 8 × 2, फिर उसकी होल पावर क्या है 1/2। आपको क्या करना होता है डिनोमिनेटर से सेम बनाना होता है कि ये कैंसिल आउट हो जाए और ईजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक। अब आप देख सकते हैं 8 की पावर 2 × 1/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल, तो 8 बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इसे फाइंड करेंगे। तो होपफुली आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपको अगेन फाइंड करना है इसकी वैल्यूज, आपको गिवन ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 9 को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया 3 की पावर 2, मैंने 9 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है 3 की पावर 2, 3 × 9 होता है, एंड उसकी होल पावर क्या है 3/2 इस तरीके से। तो आपने क्या किया 3 × 2 × 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर क्या बचेगा 3, विच मीन्स 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27, ठीक। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, और इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे आप, ऑल्टरनेटिव मेथड जो होगा इसका किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको बच्चों, जैसे 9 की पावर क्या है 3/2 है, ठीक है। तब इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, आपने अंडर रूट लिखा, यहाँ 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 का, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 तरीके से, होल पावर क्या हो जाएगी 3। अब क्या करेंगे अगेन, इसके अपने 9 के फैक्टर्स निकाले तो वो क्या होगा 3 × 3, ठीक। और स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको क्या हो जाएगा 3, है ना। 9 के अपने फैक्टर्स निकाले वो क्या हो जाएंगे 3 × 3, दो पेयर बन गए, और आपको यहाँ क्या है दो पेयर ही तो बनाने, तो 3 आ गया सिंगल रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, सिंगल 3 आएगा, ठीक है। और उसकी पावर क्या हो जाएगी होल 3, विच मीन्स 3 × 3 × 3 27, अगेन 27, ठीक है। दोनों किसी भी मेथड से करें जो आपको इजी पड़े, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स। सिमिलर मैनर में आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, अंडर रूट। सबसे पहले 32 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अगर आप 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, मैंने बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में,
तो क्या होता है 2 की पावर 5, और होल पावर क्या है 2/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, विच मीन्स 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। और ऑल्टरनेटिव मेथड इसका क्या हो सकता है बच्चों, ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करें अगर आइडेंटिटी का, तो क्या लिख सकते हैं 32 है, ठीक, तो अंडर रूट सॉरी 32 है, 32 की पावर 2/5 है बच्चों। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अंडर रूट 32, यहाँ क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी पावर, ठीक है, और होल पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आपने क्या किया 32 के फैक्टर्स किए, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 times रिपीट करेगा, और यहाँ पता है आपको 5 है, विच मीन्स कि आपको क्या करना है, इसके 5 पेयर बनाने हैं, ठीक है, सेम नंबर के। तो आपने देखा 2 कितने 5 times रिपीट हो रहा है, तो सिंगली ये क्या हो जाएगा रूट के बाहर निकलेगा 2, और उसकी होल पावर क्या है बच्चों 2, तो 2 की पावर 2 दैट मीन्स 2 × 2 इट गिव्स यू 4। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो होपफुली आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों आपका, 16 की पावर 3/4। ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना आप, 16 के फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या होगा 2 4 times रिपीट करेगा, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2। तो आपने 16 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसकी होल पावर क्या है 3/4, आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक, 2 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 की पावर 3, विच मीन्स 2 × 2 × 2, 2 3 times रिपीट हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 = 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अनदर ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज कर सकते हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। ऑल्टरनेटिव मेथड कैसे यूज करेंगे आप, आपने क्या करना है 16 की पावर 3/4 है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, अंडर रूट 16, और यहाँ क्या डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 4, और होल पावर क्या हो जाएगी 3, न्यूमरेटर में क्या है 3। अब आपको क्या करना है 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो 4 times रिपीट हो, ठीक है, सेम नंबर। तो आप देख सकते हैं 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2, जो क्या हो रहा है 4 times रिपीट हो रहा है बच्चों, और होल पावर क्या है इसकी 3। ठीक, तो सिंगली ये बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, विच मीन्स ये 4 times रिपीट हो रहा है, सिंगल अपने 2 लिखती है, ठीक, और इसकी होल पावर क्या बच्चों 3 लिखी। अब 2 क्या है 3 times रिपीट हो रहा है, 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 8, आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, 125 की पावर -1/3 है, विच मीन्स आप 125 को क्या लिख सकते हैं, अगर 125 के फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 3 times रिपीट होगा, और इसकी होल पावर क्या है बच्चों -1/3, आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, 5 की पावर 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर -1। ठीक, नंबर की पावर 5 की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आपने 5/1 है, उसकी पावर -1 है, तो उसको क्या करेंगे आप इस तरीके से पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव मेथड का किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये आपका आंसर हो गया। ऑल्टरनेटिव मेथड को देख लेते हैं, आपने क्या किया बच्चों 125 की पावर -1/3 है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपने क्या किया 125 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट 125, डिनोमिनेटर में क्या है 3, यहाँ पे आ गया आपका 3, क्यूब रूट मीन्स आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, और होल पावर न्यूमरेटर में क्या है नेगेटिव साइन है -1। ठीक, इस तरीके से आपने इसको पहले रिप्रेजेंट किया। अगेन आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आपने 125 के फैक्टर्स निकाले, दैट इज 5 × 5 × 5, और होल पावर क्या है इसकी -1। अब यहाँ देख रहे हैं आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 3 pairs बनाने होंगे, सिंगली ये बाहर निकल आएगा 5, उसकी पावर क्या है बच्चों -1,
विच मीन्स कि अगर इसकी पावर माइनस वन है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? 1/5 इस तरीके से आपने पॉजिटिव बना लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, आपको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं 2^3/2 इंटू 2^1/5, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक लॉ पता होना चाहिए, वो क्या होता है, अगर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, मीन्स आपका बेस सेम हो पर पार्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाता है, उस लॉ में क्या होता है, आपकी पावर्स क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन के केस में एड अप हो जाती है, ठीक है। अगर बेस की पावर m हो और बेस की पावर n हो, मीन्स बेस आपका क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका बेस क्या है, 2, और वो क्या है, सेम है, तो इसकी पावर्स जो होंगी और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, विच मीन्स कि इनकी पावर्स क्या हो जाएगी बच्चों, एड अप हो जाएगी बाई यूजिंग दिस लॉ, ठीक। तो 2 की पावर क्या है बच्चों आपकी, 2/3, और 2 की पावर क्या है, 1/5, तो ये क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, 2/3 + 1/5, ठीक, इस तरीके से एड अप हो जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लिया आपने, क्या बनेगा, 15। अगेन 3 की टेबल में 15, 5 टाइम्स 5 टू जा सॉरी 3 की टेबल में 15, 5 टाइम्स 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 की टेबल में 15, 3 टाइम्स 3 इंटू 1 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन 15, ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, 1/3 के पावर 3 और होल पावर क्या है, 7। तो आप जानते हैं 3/3 की पावर क्या है, 3, और ये डिनोमिनेटर में है। सबसे पहले इसको हम न्यूमिनेटर में लेके आएंगे, तो 3 की पावर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ -3 लिख सकती हूँ ना बच्चों, ठीक है। 1/3 की पावर 3 है, तो मैंने इसे न्यूमिनेटर में लेके आई, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 की पावर -3, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या है बच्चों, 7 है। फिर हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, हम किस लॉ का यूज़ करेंगे, अगर a की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो, तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn हो जाता है, ठीक है। इस लॉ का यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं इसी तरीके से है ये क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी पावर्स को, तो 3 की पावर -3 इंटू 7 दैट इज 3 की पावर -21, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ठीक है, डिवाइड में है, सेम बेस से आप देख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें किसका यूज करा जाता है, किस लॉ का, देखिए अगर a की पावर m हो बच्चों और अपॉन a की पावर n हो, ठीक, बेस सेम है और ये डिवाइड में हो, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, a की पावर n माइनस n, विच मीन्स कि इसकी जो पावर्स होती हैं बच्चों, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी सेम लॉ का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बेस क्या है आपका, 11, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, तो 4 आपने एलसीएम ले लिया, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स 2 वन था 2, अगेन 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1, ठीक, तो 11 की पावर क्या जाएगी, 2 माइनस 1 1 1/4, इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11 की पावर 1/4, ठीक है। इस सिमिलर मैनर में फोर्थ पार्ट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या क्या बने, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बेस क्या है आपके, डिफरेंट है, बट पावर्स क्या है, सेम। तो इसमें किस लॉ का यूज किया जाता है, अगर a की पावर m हो बच्चों इंटू b की पावर m हो, पावर सेम हो b, बट जो बेस है आपके डिफरेंट हो, तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, a इंटू b हो जाएगा और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 1/2 है, तो इन दोनों को 7 इंटू 8 करेंगे, 7 × 56 मीन 7 × 8 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक, 7 × 8
56 की पावर 1/2 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थर्ड पार्ट में क्या बच्चों, 11 की पावर 1/2 11 अपॉन 11 की पावर 1/4 ठीक है, डिवाइड में है, सेम वे से आप देख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें किसका यूज करा जाता है, किस लॉ का, देखिए अगर ए की पावर एम हो बच्चों और अपॉन ए की पावर एन हो ठीक, बेस सेम है और ये डिवाइड में हो, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, ए की पावर एन माइनस एन, विच मीन्स कि इसकी जो पावर्स होती हैं बच्चों वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी सेम लॉ का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बेस क्या है आपका 11 ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो 11 की 11 4 आपने एलसीएम ले लिया, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स 2 वन था 2, अगेन 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स 1 इंटू 1 ठीक, तो 11 की पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 1/4 इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 11 की पावर 1/4 ठीक है। इस सिमिलर मैनर में फोर्थ पार्ट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या क्या बने, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बेस क्या है आपके डिफरेंट है बट पावर्स क्या है सेम, तो इसमें किस लॉ का यूज किया जाता है, अगर ए की पावर एम हो बच्चों इंटू बी की पावर एम हो, पावर सेम हो बी बट जो बेस है आपके डिफरेंट हो, तो बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं ठीक है, ए इंटू बी हो जाएगा और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी एम, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 1/2 है तो इन दोनों को 7 इंटू 8 करेंगे, 7 8 56 मीन्स 7 into 8 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2 ठीक, 7 8 56 की पावर 1/2 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।